आप देख रहे हैं उत्तराखंड का नंबर वन डिजिटल चैनल उत्तराखंड खबर। नमस्कार, उत्तराखंड खबर में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ प्रियंका रावत। चलिए देखते हैं कौन सी रही आज की तमाम बड़ी खबरें। आज पंचम विधानसभा के बजट सत्र के दौरान माननीय खाद्य मंत्री रेखा आर्य द्वारा चलाई जा रही अपात्र को ना व पात्र को हाँक मुहिम के तहत नियम 58 के तहत चर्चा की गई। नियम 58 के अंतर्गत विपक्षी विधायकों द्वारा कई सवालों को विधानसभा के पटल पर उठाया गया। देखिए, ममता राकेश जी की तरफ से और कांग्रेस के अन्य विधायकों की तरफ से ये विषय आया कि जो एक अभियान चला है, जो एक अपील चली है, अपात्र को ना अपात्र को हाँ, उसके लिए एक आर्थिक सर्वेक्षण नहीं कराया गया है। और चाहे वो एसी वाला व्यक्ति है या चार पहिए वाला व्यक्ति है, तो इससे बाहर हो रहा है। तो ये सरकार का इससे जो एक तरीके से भ्रम की स्थिति पैदा हो रही है और इससे एक तरीके से जो है भयावह की स्थिति पैदा हो रही है। तो उस पर हमने ये जवाब दिया है सदन में कि चूँकि जब ये अभियान हमने प्रारंभ किया था वो 5 मई का दिन था, और 5 मई के दिन से इस अभियान को अपात्र को ना पात्र को हाँ अभियान हमने चलाया, और जिसके चलाने के पीछे का ध्येय ये था कि हमारे को विभिन्न स्रोतों से, चाहे वो सीएम हेल्पलाइन नंबर हो, चाहे वो तहसील दिवस के अवसर पर आने वाले शिकायत हो, चाहे वो बहुद्देशी कैंप लगाया जाए उस दौरान में आने वाली शिकायतें हों, चाहे ग्राम सभा की बैठकों की हमारे पास में शिकायतें पहुंचते हो, या व्यक्तिगत रूप से लोग हमको शिकायतें करते हों, चाहे खाद्य विभाग की जो हेल्पलाइन नंबर है उस पर शिकायतें आते हों, तो उससे हमेशा ये बात बताएगी कि पात्र व्यक्ति अभी भी वंचित है। तो इसलिए इस अभियान को हम लोग लेकर आए, और इस अभियान को जब लेकर आए, लेके आने के साथ साथ में मैं समझती हूँ कोई अभियान सफल है या असफल है वो इस बात पर आधारित होता है, उसका असली परीक्षण चुनाव में होता है। तो 5 मई से शुरू ये अभियान एक अपील के रूप में, जहाँ पे स्वेच्छा से सरेंडर करने का आग्रह, जिसमें कि एक जियो जारी किया गया था जिस समय उनकी सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, 2013 के वर्ष में ये जियो जारी करा गया था कि न्यूनतम 15,000 रुपये मासिक आय से नीचे वाले पात्र की श्रेणी में आएंगे, और 15,000 से ऊपर वाले जो होंगे वो अपात्र की श्रेणी में आएंगे। तो इसी आय के मानक को आधार बनाते हुए हमने इस अपात्र और पात्र और अपात्र की जो एक अपील जो है जनता के मध्य में हमने जारी करी, और जारी करने के साथ में चूँकि अभियान सही बैठा या गलत बैठा, इसका परीक्षण मुख्यमंत्री जी के चुनाव में चंपावत में हम सबको देखने को मिला, जहां हम लोगों ने लगातार लोगों ने हमारे सामने ये हमारे पास में हम पात्र हैं, हमारे पास में कार्ड नहीं है कि इसकी शिकायतें करी। उसके बावजूद भी मैं कह सकती हूं कि उस इस अभियान की स्वीकार्यता ये है कि माननीय मुख्यमंत्री जी उस उपचुनाव को 93% लोगों के मत के साथ में विजयी होते हैं, और कांग्रेस जो कि ये चाहती है कि एसी वाले को, चार पहिए वाले को, ये जो समर्थमान है उसके पास में गुलाबी और सफ़ेद कार्ड रहे, वो वहाँ पर हताशा की कगार पर रहती है कि वो अपनी जमानत भी नहीं बचा पाती है। तो मेरे कहने का मतलब ये था कि भाई यदि हमारा अभियान गलत होता तो शायद चुनाव में उसका परिणाम कुछ और होता। चुनाव का परिणाम साफ बताता है कि अभियान भी पैरेलल चल रहा था, चुनाव भी पैरेलल चल रहा था, और आखिरकार अभियान को लेकर जो स्वीकार्यता थी वो माननीय मुख्यमंत्री जी के जीत के साथ में सुनिश्चित होती है। जो हताशा और निराशा है वो जो है केवल और केवल कांग्रेस में थी, ये हमने बताने का काम किया। इसके अतिरिक्त जो पात्रता की थी वो क्राइटेरिया कांग्रेस गवर्नमेंट में कांग्रेस के द्वारा तय किया गया था। हमारी ओर से एसी या चार गाड़ी का कहीं भी जियो में जिक्र नहीं है। हमारी ओर से साफ जिक्र ये है कि 15,000 से नीचे आय वाला व्यक्ति जो है वो पात्र की श्रेणी में है, 15,000 से ऊपर वाला आय व्यक्ति वो अपात्र की श्रेणी में है। वह अपना पीला राशन कार्ड बना सकता है, लेकिन गुलाबी और सफ़ेद राशन कार्ड उन्हीं व्यक्तियों के बनेंगे जिनकी आय 15,000 रुपये से नीचे है। तो ये स्थिति स्पष्ट करी गई है, और ये बताया गया है कि जनता के बीच में इस अभियान को लेकर स्वीकार्यता है। जनता आज ये कह रही है कि हम पात्र हैं, हमें इसका अधिकार दिलाने के लिए खाद्य विभाग को धन्यवाद हम लोग देते हैं। ऐसे बहुत सारे लोगों ने हमको ये बात कही है, और निश्चित रूप से आज जितने कार्ड सरेंडर हुए हैं उन कार्ड सरेंडर करने वालों में कुछ शिक्षा विभाग के लोग भी हैं, टीचर्स हैं, कुछ आपके कर्मचारी हैं, कुछ आपके फील्ड ऑफिसर्स हैं, कुछ आपके सरकारी पेंशन पाने वाले व्यक्ति हैं। तो ऐसे लोगों के यदि कार्ड सरेंडर हो रहे हैं और कांग्रेस इससे दुखी हो रही है, तो मुझे लगता है कि वाकई जो है कांग्रेस अपनी सद्बुद्धि खो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी सदैव गरीबों के साथ खड़ी थी, आज भी गरीबों के साथ खड़ी है। मेरा अभियान या हमारी सरकार का अभियान ये तब तक
रहेगा, जब तक एक गरीब व्यक्ति सही जो पात्र व्यक्ति है वो वंचित है तब तक ये अभियान जो है बदस्तूर जारी रहेगा। मैं समझती हूँ 30 जून तक इसका हम लोगों ने समय दिया है, काफ़ी हद तक 60,000 कार्ड जो है वो सरेंडर कर गए हैं। हमने विभाग को निर्देशित कर दिया है कि सरेंडर कार्डों को जो है अब पात्र व्यक्ति को अलॉटमेंट करने की प्रक्रिया को तेज कर दिया जाए, जिससे कि समय रहते हुए सबको राशन की उपलब्धता और पात्र व्यक्ति तक राशन की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके। ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए उत्तराखंड खबर।